हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू सिंग्स स्टाइल ऑफ मैक्स सो हम जो डेफिनेशन सीरीज शुरू कर चुके हैं सो so उसमें वी आर लर्निंग न्यू डेफिनेशनस ओके वन बाय वन वन बाय वन हम मैथमेटिक्स के डेफिनेशन को सीख रहे हैं फिलहाल हमने इजी डेफिनेशन से शुरुआत की है एंड लेटर वी आर गोइंग टू गो विद कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशनस जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं ना वैसे वाला डेफिनेशन हम बाद में धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाएंगे सो so, आज आज का डेफिनेशन है कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बहुत ही आसान डेफिनेशन है वैसे आप सब जानते होंगे बट Let me explain it in my way. Okay. So coming to this definition, Cartesian product of sets. वैसे इसकी हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा जस्ट जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए ओके सो कार्टिशियन देखो आप जानते हो कि दो नंबर्स को आप प्रोडक्ट करोगे ना तो आपको एक नंबर ही आएगा ठीक है तो मैथमेटिशियंस लोगों ने क्या सोचा था कि चलो नंबर्स को तो प्रोडक्ट कर सकते हैं उन्होंने ये सोचा क्या हम कोई सेट को भी प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या हम दो सेट्स लेके उसका भी प्रोडक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन की वजह से ये कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आया तो आपको अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोल देते तो ठीक था ये कार्टिशियन क्यों बोला गया है वाई वाई इज दिस नेम कार्टिशियन क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डेकार ओके सो रेने डेकार नाम के मैथमेटिशियन ने ही इस चीज़ की खोज की थी और इसीलिए उन्हीं के नाम के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करके नाम दिया गया देखिए यहाँ पर रेनेटे कार्टेज में ये जो कार्टेस है इसके यू नो इसको यूज़ करके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करके नाम दिया है सो आ, अब कंसेप्ट पे आते हैं देखो बहुत सिंपल है ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसे आप सपोज़ मैं दो सेट ले रही हो सेट ए और सेट बी ठीक है तो इनका प्रोडक्ट कर रहे हो इसको पढ़ते कैसे हैं ए क्रॉस बी ओके सो इसको प्रोडक्ट कैसे करोगे आप इसको प्रोडक्ट करने पे देखो जैसे प्रोडक्ट कर रहे हो नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हो तो नंबर आ रहा है उसी तरह से जब आप सेट का प्रोडक्ट करोगे तो आपको सेट ही आएगा ठीक है लेकिन उस सेट के अंदर क्या होगा सारे एलिमेंट्स आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होंगे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है ये कामा बी ठीक है ये कामा बी मैं ऑर्डर्ड पेयर बोल रही हूँ मीन्स वॉट ये पेयर है पेयर तो आप जानते हो जोड़ी दो राइट ऑर्डर्ड यानी कि जो एलिमेंट मैंने फर्स्ट लिखा है उसका सीधा सा मतलब है कि वही फर्स्ट है उसको आप ऐसे नहीं कि मैम ये का दो नंबर है ना तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं नहीं ये अलग है ये अलग है ये कामा बी इज़ नॉट इक्वल टू तो बी कामा ये और ये कब इक्वल हो सकता है जब दोनों नंबर एक ही हो ठीक है सो तो तभी इक्वल हो सकता है वरना नहीं हो सकता सो ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही बनाया गया है या सेट किया गया है ठीक है सो कमिंग बैक टू दिस ए क्रॉस बी अगर मैं एक सेट ले लूँ एज इक्वल टू वन कामा टू ठीक है और बी सेट ले लो थ्री कामा फोर अब आपको ए क्रॉस बी करना है ये क्रॉस बी कैसे करोगे बहुत ही सिंपल है सेट ये का एक एलिमेंट लीजिए देखिए ऑर्डर्ड पेयर में जब आप लिखते हो ना तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा यहाँ जो फर्स्ट सेट है उसी का होना चाहिए ओके सो तो ये काम ए क्रॉस बी लिखना है फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा वन इसकी पेयरिंग कर दो, दोनों एलिमेंट जो बी में है ठीक है वन कामा थ्री वन कामा फोर नेक्स्ट आप लीजिए दूसरा एलिमेंट फिर उसकी पेयरिंग कर दो बाकी फिर से दो एलिमेंट ऑफ बी से टू का मा थ्री टू का मा फोर ये बन गया आपका ए क्रॉस बी बहुत ही सिंपल है एक्चुअली सो ए एक क्रॉस बी आप बनाते कैसे हो फर्स्ट एलिमेंट लेना है आपको फर्स्ट सेट का फिर उसकी पेयरिंग कर दो सारे एलिमेंट्स जो सेट बी में है फिर दूसरा एलिमेंट ले लो इसी सेट का ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं सिर्फ दो नहीं दो तो मैंने आपके बेसिक एग्जाम्पल के लिए लिए हैं लेकिन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बता दूँ एज़ वन का मा टू का थ्री एंड बी इज़ सम सेवन का एट ओके तो आप इसे कैसे लिखोगे ये क्रॉस बी देखो यहाँ पे क्या है सेट ये पहले है ठीक है तो पहले सेट का एक एलिमेंट ले लो वन फिर उसकी पेयरिंग कर दो बी के दोनों एलिमेंट्स है वन का सेवन हो जाएगा वन का एट हो जाएगा फिर ऐसे ही ले लो सेट दूसरा एलिमेंट दैट इज़ टू और फिर उसकी पेयरिंग कर दो सेवन के साथ और एट के साथ इसी तरह से तीसरा भी ले लो थ्री थ्री का मा सेवन थ्री का मा एट है ना सो so, इस तरह से आप पेयरिंग करते हैं अगर इसी जगह पे आई से यू की बी क्रॉस ए को फाइंड कीजिए तो आप क्या करोगे ये डिफरेंट हो जाएगा कैसे B का एलिमेंट जो होगा ना वो अब आपका पहला एलिमेंट होगा सेवन लीजिए सेवन को पेयरिंग कीजिए सारे नंबर्स के साथ जो सेट ए में है सेवन का मा वन सेवन का टू सेवन का थ्री और अब लीजिए B का ही दूसरा एलिमेंट जो बचा है ए, उसकी पेयरिंग करो सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ ओके okay? B में और कोई एलिमेंट्स नहीं बचे हैं right? राइट सिर्फ दो थे तो दो की भी मैंने पेयरिंग कर दी है और इसी इसी के साथ एक और चीज़ आपको ये सीखनी है कि बी क्रॉस ए हो या ए क्रॉस ए ए करॉस बी हो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे कितने हैं वन टू थ्री फोर तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए क्या मैम हर बार ऐसे गिन के ही बोलना पड़ेगा नो नॉट नेसेसरीली लाइक दैट ओके इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट बहुत ही आसान से क्या कर सकते हो एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ़ ये इन टू एन ऑफ बी एन ऑफ़ यानी कि नंबर ऑफ सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ये क्रॉस बी एंड Uh, that is equal to number of elements in the set A into number of elements in the set B. तो अगर आपसे आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि सेट A में कितने एलिमेंट हैं दो इसमें भी दो है तो आप ए क्रॉस बी में कितने हैं बता सकते हो ओके okay? सो so, इस तरह से आपको क्या करना है यू विल हैव टू लर्न इट ओके सो दिस इज हाउ कार्टिशन प्रोडक्ट इज डन आई होप आपको समझ आ गया ये जनरल डेफिनेशन है आप अच्छी तरह से समझ सकते हो बहुत ही सिंपल है ए क्रॉस भी एक्स कामा वाई एक्स हमेशा पहले सेट से होगा वाई हमेशा दूसरे सेट से होगा ठीक है दिस यू कैन गो थ्रू इट और दैट्स uh, इट आपको दूसरे जो भी डेफिनेशन चाहिए यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और किसी और की हेल्प कर सको तो प्लीज शेयर देम शेयर विथ दैम ओके 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 okay? 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 सो थैंकू सो मच फॉर वॉचिंग सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आगे हम ऐसे ही बहुत सारे डेफिनेशनस को देखते रहेंगे ठीक है वन बाई वन अभी फिलहाल के लिए ईजी डेफिनेशन है लेटर ऑन विल भी गेटिंग ऑन विथ सम कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन एज़ वेल सो दैट्स इज इसकी सीरीज है ओके डेफिनेशन में डेफिनेशन मेड इजी की एक सीरीज बना रहे हैं हम अभी तो उसकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है आप जाकर उसमें ढेर सारे डेफिनेशनस को वॉच कर सकते हो वन बाय वन एड होते जाएंगे ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू